रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर का। विधानसभा में का मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। आगामी 26 जुलाई से सत्र शुरू होगा और 30 जुलाई 2021 तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। आपको बता दें, मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार बनने लगे हैं। 5 बैठकों वाले सत्र में पूर्ण शराबबंदी और कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दों की गूंज सुनाई दे सकती है। वहीं अब इस सत्र को लेकर विपक्ष पिछली बार की तरह इस बार भी ये बात कहता नजर आ रहा है कि इस बार भी सत्र का समय जो है काफ़ी कम है, सत्र छोटा है और विपक्ष के पास मुद्दे ज़्यादा हैं। नेता प्रतिपक्ष और विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि भाजपा अपनी पूरी दमदारी के साथ सदन में सवाल पूछेगी, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। हालांकि मानसून सत्र शुरू होने में लगभग 25 दिन का वक्त है अभी, लेकिन इन 25 दिनों से पहले ही सियासी घमासान सत्र को लेकर शुरू होता यहां पर नज़र आ रहा है। सरकार हर एक सवाल का जवाब देने की बात, तैयारी करने की बात कहती नज़र आ रही है। इस खबर पर बात करेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन चौबे। नितिन, मानसून सत्र को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, हालांकि अभी काफ़ी वक्त है सत्र शुरू होने को लेकर, लेकिन अभी से जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप को लेकर बात की जाए या फिर जिस तरह से तंज कसे जा रहे हैं विपक्षी तरफ से, और खास करके जो बात निकलकर सामने आ रही है हर बार की तरह इस बार भी यही है कि सत्र की जो समय अवधि है वो कम रखी गई है, क्या कहीं से लेकर? कि आपने कहा छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र के लिए अभी 25 दिन बाकी हैं, लेकिन उसकी राजनीतिक सरगर्माहट है वो छत्तीसगढ़ की धरातल और राजनीतिक पृष्ठभूमि पे साफ तौर पे नजर आ रही है, खास करके विपक्ष और सत्ता पक्ष के बयानों में निकल जो दिख रहा है। आगामी सत्र के लिए नेता प्रतिपक्ष का जो बयान निकल कर आया उसमें साफ तौर पर कहा धर्मलाल कौशिक ने कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं और सत्र लेकिन बहुत छोटा है, लेकिन हम एक भी मुद्दों को छोड़ेंगे नहीं। सत्र का एक एक मिनट हमारे लिए कीमती रहेगा। सदन के समय का हम भरउपयोग करते हुए कानून व्यवस्था और शराबबंदी के मुद्दे उठाएंगे। इसको लेकर विपक्ष में जो तैयारियां की हैं वो भी काफी सारी रोचक तैयारियां जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जानकारी दी। कमर एक तो धान खरीदी में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो भुगतान है उसको लेकर सदन गर्मा सकता है। धान में के धान की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो खाद बीज की उपलब्धता है, उर्वरक की उपलब्धता जिसको लेकर केंद्र और राज्य के बीच में लगातार रस्साकसी चालू है, वो मुद्दा से भी सदन गर्मा सकता है। और खास करके धान संग्रहण में, खास करके बरसात का सीजन आ चुका है और मिलिंग कस्टम मिलिंग ना होने के कारण धान संग्रहण में जो दिक्कतें आ रही है या धान जो खराब हो रहा है उससे सदन की गर्माहट काफी तेज हो सकती है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जो विपक्ष ने तैयार करके रखे हैं, बेरोजगारों की भत्ता, 2 साल की शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को लेकर विपक्ष अच्छी खासी कमर कस के तैयार है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने अपने बयान में पलटवार करते हुए साफ तौर पर कहा कि विपक्ष किन्हीं भी प्रश्नों को देने के लिए सदन का एक एक विधायक और मंत्री तैयार है, चाहे कोई भी मुद्दा लेके आए, स्थगन लाए, ध्यान आकर्षण लाए या कोई प्रश्न लाए, उसके सभी जवाब के लिए सत्ता पक्ष पूरी तैयार है। उनने पलटवार करते हुए साफ तौर से कहा है कि चर्चा से तो विपक्ष हमेशा भागता है, कभी अजय चंद्राकर कुछ और कहते हैं, कभी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कुछ और कहते हैं, बृजमोहन अग्रवाल कुछ और कहते हैं। 14 विधायक होने के बावजूद भाजपा के अंदर सामंजस्य नजर नहीं आता, ये खास तौर पर मोहन मरकाम ने कहा। वो चर्चा से ना भागे, सत्ता पक्ष उनसे चर्चा के लिए तैयार है और पूरी तरह जवाब देने में सक्षम है। और उसी पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन्हीं 14 विधायकों के आपसी मनमुटाव को लेकर डी पुरिंदेश्वरी का भी बयान आया था कि उन्होंने फटकार लगाई थी संगठन को कि कम से कम 14 विधायक तो एक मत होकर सदन में इकट्ठा हो। वहीं मोहन मरकाम के इस पलटवार में फिर राजनीति तेज गर्म होती दिखाई दी कमर, और खास कर भी जो एक अच्छा खासा अनुभव रखते हैं सदन के अंदर पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने कहा कि हमने
सारे सत्ता पक्ष के जो भी विफलताएं थी उनके सवालों को लेकर जनता के बीच तो गए, अब हम सदन में इसका जवाब मांगेंगे और भारतीय जनता पार्टी ये सवाल जरूर पूछेगी। मोहन मरकाम के जवाब में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनको अपने संगठन की ओर में देखना चाहिए, ना कि भाजपा के संगठन की ओर। उन्होंने एक तंज कसते हुए कहा है कि मोहन मरकाम ये ध्यान दें कि मुख्यमंत्री से उनके पोस्टर में फोटो बड़ी कैसे आएंगे। साफ तौर पे जो बोला जाए कमर, तो सत्र शुरू होने के, मानसून शुरू हो चुका है लेकिन मानसून का सत्र अभी शुरू होना है और उसकी सरगर्माहट छत्तीसगढ़ की राजनीति में साफ तौर पे बयानों के जरिए दिख रही है। जी चलिए, बिल्कुल फिलहाल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि मुद्दों को लेकर विपक्ष तैयारी करता यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से सवाल जवाब की बात कही जा रही है तो कांग्रेस के साथ साथ सरकार पूरी इस बात को लेकर तैयार है कि जो भी सवाल आएंगे उसके जवाब बखूबी देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन किस तरह के मुद्दों को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती है, हालांकि आसार जो बनते नजर आ रहा है नितिन वो यही है कि हंगामेदार सत्र हो सकता है। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर मानसून सत्र को लेकर अभी से सरगर्मियाँ तेज होती नजर आने लगी हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है मुद्दों को लेकर और खास करके समय अवधि को लेकर। कहा जा रहा है कि कम समय का जो है मानसून सत्र रखा गया, 5 बैठक कुल होनी है इस सत्र में और ऐसे में मुद्दों को लेकर विपक्ष यही बार बार बात कहता नजर आ रहा है कि मुद्दे ज्यादा हैं, समय कम है और ऐसे में न तो बहस हो पाई न मुद्दे पर चर्चा हो पाएगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से विपक्ष ने तैयारी की है उसके आधार पर यही माना जाने लगा है कि इस बार का जो मानसून सत्र है काफी हंगामेदार हो सकता है। खास खबर में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।